नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड थायराइड के बारे में। डायबिटीज़ एंड थायराइड आयुर्वेद के हिसाब से मंदाग्नि के रोग है। मंदाग्नि का क्या मतलब होता है कि आप जो भी खा रहे हैं वो पचने के लिए जो जठर अग्नि होती है वो स्लो हो जाती है। दोनों में आपकी अग्नि जो सभी धातुओं की है वो स्लो हो जाती है। ये बहुत सिंपल है। यदि एक पतीला आपने गैस पे चढ़ाया है और अगर वो बड़े गैस पर फुल गैस पर पकना है वो नॉर्मल पचन है, लेकिन यही उठा के आपने छोटी गैस पर रख दिया यानी छोटे बर्नर पे रख दिया, ये डायबिटीज़ है। और इसी डायबिटीज़ में अगर इसी बर्नर को स्लो कर दिया तो ये थायराइड है। इसका मतलब है कि आप जो खाना खा रहे हैं जिसे पूरी आँच पर पकना चाहिए यानी उतनी अग्नि में पकना चाहिए, अब मिनिमल अग्नि में पक रहा है यानी पच रहा है। सो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपके शरीर में आपने जो खाया हुआ होता है वो सही से पचता नहीं है, शरीर को लगता नहीं है। इसी वजह से जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ और थायराइड साथ में हो जाता है उनमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, याद रहने की कमी होती है। डायबिटीज़ और थायराइड यदि साथ में हो और ये टाइप 1 और हशिमोटोज नहीं है, याद रखिएगा, यदि ये टाइप 1 और हशिमोटोज इस कंडीशन में नहीं है, टाइप 2 है और थायराइड भी हशिमोटोज नहीं है, तो बिल्कुल आप पूरी तरह रेमिट कर सकते हैं यानी इसमें से बाहर आ सकते हैं। सही आहार, सही विहार, सही व्यवहार करने से, यानी एक्सरसाइज सही से करें, वॉक सही से करें, सही समय पर सोएं, सही खाना खाएं, आप बिल्कुल रिमिट हो सकते हैं। डायबिटीज़ और थायराइड में अगर यदि एक साथ हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, नसों की भी दिक्कत हो जाती है, आपके वेंस की भी दिक्कत हो जाती है और कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है। गड़बड़ सबसे ज़्यादा हार्ट पे आती है जब आपको डायबिटीज़ और थायराइड हो जाता है। का सीधा साधा कारण क्या होता है कि थायराइड जब होता है शरीर में कैल्शियम बनता है लेकिन रुकता नहीं है। अब वो रुकता नहीं है तो हड्डियों में नहीं रुकता भाई, शरीर में खून में तो आ जाता है और दिक्कत ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ती है आपका डायबिटीज़ की वजह से। और ये ट्राइग्लिसराइड और ये कैल्शियम एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है, कैल्सिफिकेशन बढ़ाता है, जिससे हार्ट पे लोड आता है और आपको स्ट्रोक्स यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक्स, ये डायबिटिक और थायराइड साथ में होने वाले पेशेंट्स को बहुत आसानी से हो सकता है। सो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी शुगर्स तो कंट्रोल रखनी ही रखनी है, थायराइड भी कंट्रोल रखना है। थायराइड का बहुत मज़ेदार काम होता है कि इसे हर 21 दिन में चेक करके मेडिसिन एडजस्ट रखें। अगर आप सेम मेडिसिन कंटिन्यू रखते रहेंगे तो गड़बड़ क्या होती है, पहले तो आपका थायराइड कंट्रोल रखते हैं, बाद में आप 21 दिन के बाद चेक करके अगर आपकी मेडिसिन एडजस्ट नहीं करती हैं तो वही दवाई आपका थायराइड का बढ़ा देता है, T4 बढ़ा के TSH बढ़ाता है। और यदि आप समय पे करती हैं तो आपकी मेडिसिन टेपर रहती है, मिनिमल रहती है। मैं बहुत सालों से वही थायराइड की दवाई ले रही हूँ, का मतलब है शरीर में रोग जमा होकर बैठा है, जमा होकर नहीं रखना है, सुप्त नहीं रखना है, इसको ध्यान रखना है। थायराइड में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पॉलीफेजिया, ऐसा समझ ही नहीं आता कि ये डायबिटीज़ से हो रहा है या थायराइड से। बार बार तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसे फाइबर के आहार से रिप्लेस करना है। यानी 75% फाइबर रहेगा आपके खाने में दिन भर में, तभी आपका पॉलीफेजिया कंट्रोल होगा। पॉलीफेजिया कंट्रोल होगा तभी आपके थायराइड और डायबिटीज़ यदि एक साथ हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने में मदद होगी। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि डायबिटीज़ और थायराइड में जॉइंट पेन्स भी होते हैं, साइटिका भी हो जाती है। यहाँ पे समझ ही नहीं आता मैं डायबिटीज़ ट्रीट करूँ, थायराइड पे काम करूँ या कमर दर्द के साइटिका पे काम करूँ, जोड़ों के दर्द पे काम करूँ। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि हमें शरीर में आमवात हो गया है, इतना दिक्कत हो जाता है कि एक एक पुर्जा हमारे शरीर का, एक एक हड्डी, छोटी उंगलियां, रिस्ट, घुटने, सभी दर्द होता है। यहाँ पर बेहद ज़रूरी है सही चिकित्सा, सही तरीके से चिकित्सा,
सबसे पहले थायराइड को कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, फिर और चीज़ों पे काम करें। उसके लिए आहार विहार प्रॉपर रखें, सही खाना, सही समय पे सोना, पेट साफ रखना, यूरिन का कंट्रोल रखना, इन पर काम करें। B12, D3 ये दोनों में बहुत जल्दी कम होती है, ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में बहुत जल्दी बढ़ता है, तो ये चीज़ों पे बेहद काम करें। क्या ये सही है, कंट्रोल रहते हैं, हर 3 महीने में चेक करें, दवाएं कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें, तभी आप डायबिटीज़ और थायराइड अगर एक साथ है तो ही कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ और थायराइड एक साथ होने वाले लोगों में बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है, लिवर फैटी होने लगता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस भी होने लगता है। नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का मतलब है कि आपका लिवर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसी तरह जैसे एक शराबी का होता है बिना शराब पिए। तो ये हमें संभालना बहुत ज़रूरी है, ये दिक्कत आगे ना बढ़े ना हो। इसी के लिए अगर डायबिटीज़ और थायराइड है तो अपने आहार और विहार को प्रॉपर जल्द से जल्द पूरा कंट्रोल रखें, तभी आप इससे पूरी तरह निजात पा सकते हैं, आगे की कॉम्प्लिकेशंस में आप जाते ही नहीं।